मुंबई, 14 अप्रैल का वो काला दिन। दूसरे महायुद्ध के काले बादल आसमान में मंडरा रहे थे। कॉटन बेल्स, सोने और हजारों टन विस्फोटक से लदा 7,000 टन का एक कार्गो जहाज पोर्ट स्टिकन इंग्लैंड से रवाना होकर कराची बंदरगाह से होते हुए मुंबई के विक्टोरिया डॉक में आया था। दोपहर का समय था, करीब 2 बजे, और उसके बाद 4:05 पर हुए 2 जबरदस्त धमाकों से सारा मुंबई शहर कांप उठा। अचानक आग ही आग, धुआं ही धुआं नजर आने लगा। देखते देखते जहाज पर लदे विस्फोटक फूटने लगे। भयानक आवाजों के साथ आग की लपटें उठने लगी। ऐसे में भयंकर आग का मुकाबला करते हुए अग्निशमन सेवा के 66 बहादुर जवानों को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। इस हादसे में विक्टोरिया डॉक में काम करने वाले कई कर्मचारी और आसपास के अनेक नागरिक भी अपनी जान खो गए। अग्निशमन सेवा के जवानों के सन 1944 के बलिदान की स्मृति में सन 1968 में भारत सरकार ने पूरे देश में 14 अप्रैल को अग्निशमन सेवा दिन घोषित किया, और फिर 2 साल बाद से हर वर्ष 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक देश भर में अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुरुआत हुई। भारत के सभी राज्यों की राजधानियों में और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालयों में अग्निशमन सेवा सप्ताह के दौरान देश के नागरिकों और विद्यार्थियों को अग्नि सुरक्षा से जुड़ी सभी बातों की जानकारी दी जाती है, और उन्हें अग्नि प्रतिबंधक उपायों के बारे में जागरूक भी किया जाता है। सप्ताह के अंतिम दिन 20 अप्रैल को सभी राज्यों की राजधानियों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालयों में अग्निशमन सेवा सप्ताह का समापन होता है, जिसमें अग्निशमन सेवा के जवानों की परेड होती है। परेड के आखिरी दौर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम होता है, और सप्ताह के पहले दिन से लहरा रहे अग्निशमन सेवा के ध्वज को पूरे सम्मान के साथ नीचे उतारा जाता है। अग्निशमन सेवाओं में काम कर रहे सभी बहादुर जवानों को और आग से मुकाबला करने की उनकी हिम्मत को प्रणाम करते हुए भारत सरकार एक डाक टिकट का विमोचन करने जा रही है। देश की अग्निशमन सेवाओं के बहादुर जवानों को प्रणाम। जय हिंद।